सिक्वेंशियल लिमिट जो है, सिक्वेंशियल लिमिट हम पढ़ते हैं। सिक्वेंशियल लिमिट ऑफ फंक्शन, आपको लिमिट चेक करना दो तरीके से मैंने बताया था। पहला जो ट्रेडिशनल तरीका आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा था, उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी फंक्शन का हम एल एच एल निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है, और फिर आर एच एल निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और अदरवाइज बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर देखो लिमिट आपको समझ में आ गई तो कॉन्टिन्यूटी समझ में आ जाएगी। बट ये सिक्वेंशियल लिमिट एक नया टॉपिक है जिसको आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन जो है वो एस से आर पे डिफाइन हो, ठीक है, और यहाँ पे जो एस है, एस इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, और अगर मान लो कोई यस में कोई आपने सिक्वेंस ए एल लिया जो कि ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, कोई भी सिक्वेंस, एनी सिक्वेंस, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक सिक्वेंस मिल जाए और हम कह दें ओके, नहीं, कोई भी सिक्वेंस सपोज करो जो एक फिक्स पॉइंट पे कन्वर्ज करे, ठीक है, और अगर एफ ऑफ ए एन अप्लाई करो और ये एल पे कन्वर्ज कर जाए तो इस एल को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा बोलते हैं। बट अमूमन जब ये वाला हम जब ये वाला केस हम लेके चलते हैं सिक्वेंशियल लिमिट, तो अक्सर सिक्वेंशियल लिमिट का यूज हम कब करते हैं, हमको ये दिखाना होता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जब हमको इसकी बात करनी होती है तो हम इसकी मदद लेते हैं सिक्वेंशियल लिमिट की। और बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बताना हो विद द हेल्प ऑफ सिक्वेंशियल लिमिट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक एन सिक्वेंस लोगे, ठीक है, जो कि किसी पॉइंट पर कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और आप एक बी एन सिक्वेंस लोगे जो कि सेम पॉइंट पर कन्वर्ट करेगा, ठीक है, बट जब एफ ऑफ ए एन अप्लाई करोगे तो एफ ऑफ जो ए एन है ये एफ ऑफ ए एन जाएगा ईरघाट और एफ ऑफ बी एन जो जाएगा बीघाट, सिंपल से एकदम शुद्ध मतलब देसी अंदाज में, ये कहीं और जाएगा और ये कहीं और जाएगा, ठीक है, दोनों लोग अलग अलग जाएंगे, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बोलेंगे क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और एक और इसमें तरीका था कि अगर मान लो ये तो इसमें जो है नोट नंबर टू था, शायद नोट नंबर वन था, ये नोट नंबर टू हमने ये बताया था, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नोट नंबर वन, नोट नंबर टू हमने बताया था कि अगर मान लो कोई सीक्वेंस ए एन लेते हो जो कि ए पे कन्वर्ट करता है और जब एफ ऑफ ए एन लगाते हो तो ये जो है कहीं नहीं जाता, मतलब नॉट कन्वर्ट एनी वेयर, नॉट कन्वर्ट एनी वेयर, तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का। दो आपके पास तरीका था, इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे f जो है वो r माइनस जीरो से डिफाइन था, f ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो भी हम करेंगे। और इस वाले केस में हमने क्या लिया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू डिफाइंड एज प्लस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन व्हेन x इज लेस देन जीरो, ठीक है, सिग्नम फंक्शन को हमने डिफाइन किया था। फिलहाल आज हम लोग इसी पर्टिकुलर मैथड पे दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें से दोनों क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने पूछ रखा है, ठीक है, और पहला क्वेश्चन जो है वो 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन लोग करेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल मैं पहले क्वेश्चन को देखता हूँ, अभी स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा बिकॉज मैंने किसी को कनेक्ट किया है, ठीक है, ओके, नाउ कनेक्ट हो गया, अब जो है आपको प्रॉपर दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। और आपका जो पहला क्वेश्चन, मैंने अभी थियरी रिविजन किया, पहला जो क्वेश्चन है वो 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल तो एक क्वेश्चन ये करें कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन बाई एक्स, दूसरा दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स, तीसरा आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स साइन वन बाई एक्स, तीनों के तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन करें तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन
वन बाई एक्स, आपने क्या ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज तो पता चल गया कि ये जो फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन इज डिफाइन फ्रॉम आर माइनस जीरो टू आर लेके चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू हम जीरो पुट कर दिए तो वन अपॉन जीरो, साइन इनफिनिटी की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड करने योग्य नहीं है, आप परिभाषित है ऐसा बोल सकते हो। तो आर माइनस जीरो मतलब कि डोमेन में कभी जीरो नहीं आ सकता, डोमेन में कभी जीरो नहीं आ सकता, इसलिए हमने आर में से जीरो को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एंड वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमको एक्स इक्वल टू जीरो पर लिमिट निकालना है, ठीक है। अब हमने क्या बताया था आपको कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर लिमिट निकालना है, तो हमने ये बोला था कि आप जो है ऐसे दो सीक्वेंस को आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, ऐसे दो सीक्वेंस को कंसिडर करेंगे जो कि दोनों के दोनों जीरो पे कन्वर्ट करते हो, जो कि दोनों के दोनों जीरो पर कन्वर्ट करते हो। तो हमने क्या ले लिया कि सपोज एन, हमने एक सीक्वेंस सपोज किया और एन की वैल्यू कुछ इस टाइप से लिखा वन अपॉन, ध्यान से समझना, टू पाई एन, ठीक है, प्लस पाई बाई टू, एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एन प्लस पाई बाई टू, ठीक है, जहां पे एन की वैल्यू जो है, एन की वैल्यू क्या है, जीरो वन टू थ्री ऐसे ले सकते हो, ठीक है, या फिर वन से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वन से स्टार्ट कर लो, ऐसे लेके चलो, ठीक है। अगर मैं एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ए एन की वैल्यू देखो वन अपॉन एन है यहाँ पे ना, ये एन इन्फिनिटी हो जाएगा तो टोटल इन्फिनिटी हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज इंप्लाइज दैट ए एन गोज टू जीरो। एंड बी एन इज इक्वल टू, अभी क्वेश्चन जब लग जाएगा तब आपको समझ जाएगा, बी एन इज इक्वल टू वन अपॉन, आपने वन अपॉन क्या सपोज कर लिया, टू पाई एन प्लस, यहाँ पे जो पाई बाई टू है इसको मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दूं, मैंने थ्री पाई बाई टू ले लिया, ठीक है। अब यहां से एज एन टेंस टू इन्फिनिटी इंप्लाइज बी एन टेंस टू जीरो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी अब क्या करेंगे यहां पर, एंड एफ ऑफ ए एन, ठीक है, एफ ऑफ ए एन अप्लाई किया तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन वन बाई एक्स है, और अगर ए एन लिखा तो वन बाई और फिर एक्स की वैल्यू क्या है वन बाई समथिंग, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या, साइन, ऐसे लिखो साइन वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एन एन की वैल्यू कितनी है, ये वन अपॉन टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, और ये ऊपर चलाएगा तो लिखेंगे क्या, इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए एन इज इक्वल टू साइन टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। आपको पता है टू एन पाई प्लस पाई बाई टू की जो वैल्यू होगी, तो साइन ये टू एन पाई हमेशा जो है क्लास इलेवन में इस चीज को पढ़े थे, यहां से स्टार्ट हुआ एक सर्कल घुमा, ठीक है, एन की वैल्यू जब वन लिखे तो टू पाई, टू पाई आने के बाद साइन जीरो से स्टार्ट किए और फिर साइन जीरो पर आ गए, और अगर हम पाई बाई टू लेके चलते तो यहां पर पहुंचे, और यहां पर वैल्यू कितनी होती है, साइन की वैल्यू प्लस वन होती है, तो यहां से आपको मिलेगा प्लस वन, ठीक है। और यहां पर बट लिख लो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट, और यहां पर बट एफ ऑफ जब बी एन लेके चलोगे तो आपको मिलेगा क्या, साइन वन अपॉन, यहां पर देखो वन अपॉन टू एन पाई प्लस थ्री पाई बाई टू, अब जो है ये वन अपॉन ये समथिंग ऊपर चला जाएगा, तो लिखेंगे क्या, साइन, और ये वैल्यू ऊपर जाएगा लिखेंगे टू एन पाई प्लस थ्री पाई बाई टू, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से पता है थ्री पाई बाई टू का मतलब होता है क्या, थ्री पाई बाई टू का मतलब होता है क्या, पाई प्लस पाई बाई टू, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो क्लास इलेवन से पढ़ते थे ना, ए एस
टी सी, यहां से हमने स्टार्ट किया, देखो 2n पाई को अगर हम n की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो उस केस में सिंपली 2 पाई आएगा, 2 पाई मतलब पूरा का पूरा घूम गए, 0 से स्टार्ट किए 0 पे आ गए, ठीक है, 0 से स्टार्ट किए 0 पे आ गए। अब जो है 3 पाई बाई 2, तो 1 पाई चले तो यहां से हमने 1 पाई चला, यहां 180 डिग्री आ गए, अब पाई बाई 2 मतलब यहां आ गए, तो साइन 270 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो अगर लिखोगे साइन पाई प्लस पाई बाई 2, तो आपको पता है कि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई बाई 2 ही लिखेंगे। बट ए एस, तो यहाँ पे आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में आता है तो टैन कॉट कॉट माइनस साइन पाई बाई 2, वैल्यू इज माइनस 1, वैल्यू इज माइनस 1। बात समझ में आ रही है, ये क्लास 11 की सारी चीजें हैं। तो अब जो है यहाँ से आप बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ से बोल सकते हो कि इन दिस पर्टिकुलर केस यू हैव टू सीक्वेंसेस, ए एन इज इक्वल टू दिस एंड बी एन इज इक्वल टू दिस, बोथ द सीक्वेंस ए एन ऑल्सो गोज टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड बी एन ऑल्सो गोज टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, बट एफ ऑफ ए एन गोज टू प्लस 1 एंड एफ ऑफ बी एन गोज टू माइनस 1, देयरफोर यू कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर केस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन समझ में आया, आर माइनस जीरो मैंने क्लियर किया है कि ये डोमेन है और डोमेन से ही इस x की चॉइस आएगी, तो डोमेन में से हमने जीरो को हटा दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जीरो रख दूं तो साइन 1/0 और 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है, तो फंक्शन हमारा जो है मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम इसकी लिमिट कंट्री बात ही छोड़ देंगे। ये आपसे जान लो, किसी भी फंक्शन की लिमिट हम उस पॉइंट पे चेक करते हैं जहां पे उसको प्रॉब्लम होता है, जहां पे उसकी एग्जिस्टेंस में दिक्कत होता है, ठीक है, अगर आपको कुछ ना दिया हो तो इसको अच्छे से देखो, तो 1/0 पे इसको प्रॉब्लम है, तो 0 पे इसकी लिमिट हम चेक करेंगे। अगर आपको ना दिया हो, जैसे क्लास 12 में जब पढ़ते थे तो बोलता था कि चेक लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2 एट एक्स इक्वल टू 3, बट यहाँ पे कुछ नहीं देगा, आपको सिंपली क्या करना है, रियल नंबर में उस पर्टिकुलर नंबर का लिमिट चेक करना है जहां पे इसको जो है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पे इंफिनिटी का केस आ जाए, या फिर जो इसका लिमिटिंग पॉइंट हो, जीरो इज लिमिटिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट यहाँ पे। ओके सर, ठीक है, देखो अभी किसी का क्वेश्चन था, शायद अंकिता का क्वेश्चन था कि कैसे हमको ये पता चलेगा कि मुझे ए एन ऐसा लेके चलना है। देखो आप जब साइन को देखो ना, तभी आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसा लेके चलना पड़ेगा कि एक बार जो है वैल्यू प्लस आ जाए, एक बार वैल्यू जो है माइनस आ जाए, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 एंड 1/2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2। अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो देखो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है, साइन जो है देखो एज यहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3 हो सकती है, यहां पे प्लस 1 कर लो और यहां पे माइनस 1 कर लो, ठीक है, हो सकता है ग्राफ आपको समझ में ना आए, बट फिर भी एक बार देख लो, आगे अगर तैयारी करोगे तो ये चीजें कोई टीचर आपको जरूर बताएगा। और यहां से अगर साइन एक्स की हम बात करें तो देखो, एक बार दे रहा प्लस 1, एक बार दे रहा माइनस 1, तो ऐसे जो है अगर साइन का ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जीरो पे ना आके, ठीक है, और इसके जीरो के नेबरहुड में ऐसे जो है प्लस माइनस इनफाइनाइट ऑसिलेशन करता है, ठीक है, यहाँ पे जीरो और माइनस 1 के बीच में इनफाइनाइट ऑसिलेशन करता है, क्योंकि जब आप वैल्यू जो है यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो प्लस 1 मिला माइनस 1 मिला, फिर 4 पाई बाई 2 डेट इज 2 पाई हो जाएगा, तो फिर प्लस 1 मिलेगा, फिर ऑड पे 5 पाई बाई 2, फिर माइनस 1 मिलेगा, तो प्लस 1 माइनस 1 मिलता जाएगा, और इस पर्टिकुलर केस में आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे ये लाइन इसको टच नहीं करेगी, ये सिर्फ यहाँ पे ऐसे और ऐसे इनफाइनाइट टाइम ऑसिलेट करेगा, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है। अगर आप गूगल सर्च करोगे ना तो साइन 1/x का ग्राफ आपको मिल जाएगा, और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा होगा, ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे लेके चलो, ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसा ग्राफ बनता है साइन 1/x। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं, आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, रुको मैं थोड़ा सा इंक जो है और फिलअप कर लूं, तब तक आप इसको एक बार क्वेश्चन देखते रहो।
सर हाँ बोलिए सर, ये मेथड केवल साइन वाले में लगाएंगे, कहीं कॉस आ गया तो उसमें नहीं लगाएंगे? कॉस का क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछेगा तो सेम वही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन कॉस का क्वेश्चन पूछेगा इन एग्जाम, निश्चिंत रहो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जितना सिलेबस में लिखा हुआ है ना उतना ही पूछता है, ठीक है? जैसे यूपीएससी के एग्जाम में जितना लिखा होता है उतना ही पूछता है, सेम यूनिवर्सिटी में पूछता है। यूनिवर्सिटी में कभी भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ सकते हैं, इस बात की गारंटी है। जी सर। हाँ, मैं बार बार ये जरूर बोलता हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑनलाइन क्लास में कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, आई डोंट नो कि कौन कौन है, बट जो भी होंगे वो एक बार जरूर पता करेंगे कि उनके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर किस टॉपिक को ज्यादा वरीयता दे रहे हैं, किसको ज्यादा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट वही बनाते हैं और जो लेक्चर्स वो लेते हैं प्रोफेसर लोग, वहां से क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी रहती है ज्यादा। अदरवाइज आपको पढ़ना तो पूरा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पता चल जाता ना कि हाँ ये एरिया जो है फला सर पढ़ाते हैं तो उनका फेवरेट एरिया, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। एक मिनट, शायद जो है कुछ क्वेश्चन था विजय का, देख लेते हैं। ओके, देखो डोमेन में से पहले ही हम जीरो को हटा दिए, फिर हम जीरो पर लिमिट क्यों चेक करते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है? देखो जीरो को हम हटा दिए क्योंकि यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन जीरो को हटाने के बाद ही जीरो पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या फिर जीरो पे सीक्वेंस भेज के हम चेक करते हैं। इसी पॉइंट पे दिक्कत है और इसी पॉइंट को यहाँ से हटा भी दिए और इसी पॉइंट को हम लिमिट भी चेक करते हैं, ठीक है? ओके, बाकी हर जगह इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिख देना कि एट जीरो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वी हैव टू सीक्वेंसेस, जो भी होता है मैंने पूरा आपको पहले से बता रखा क्या क्या लिखना है। अच्छा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, लास्ट टॉपिक का भी नोट्स में भेज नहीं पाया था, बड़ा बिजी शेड्यूल था मेरा, बट मैं कोशिश करूंगा कि कल महाशिवरात्रि है आपको मैं भेज दूं नोट्स, ठीक है? कल छुट्टी रहेगी सबकी तो नोट्स आराम से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन डैट, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, मॉर्निंग में अगर मेरी क्लास मिस हो गई है तो आपके क्लास के एक स्टूडेंट ने उसकी रिकॉर्डिंग करके डाल रखी है, बहुत अच्छा तो नहीं उसमें मतलब आवाज की क्वालिटी और वो सब हमको लगा, बट आपका काम चल सकता है, ठीक है, आपका काम चल सकता है तो आप वहां से काम चला लीजिए। अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक से जो है कुछ आपको वीडियोज हम प्रोवाइड कर दें, ठीक है? एक्चुअली मैं इतना टेक्निकल हूं नहीं और थोड़ा समय भी हमको मिल नहीं पाता है, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ जो है जितने भी आपका टॉपिक है रियल वगैरह के वो आपको मिल जाए, और अगर आपका एग्जाम अप्रैल लास्ट तक होता है तो और भी कुछ टॉपिक्स जो मेरे इंटरेस्टेड एरिया के हैं मैं उनको कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है? फिलहाल ये जो सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें जो है इसमें आप लोग रियल एनालिसिस जो आपको मैंने लिमिट के डेफिनेशन बताई थी, आपको मैंने ऐसे बताया था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड, याद हो तो पहली क्लास में बताया था, प्रोवाइडेड क्या x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ऐसा आपको मैंने बताया था, ये वाली अगर डिफिनेशन याद हो तो पहली क्लास में मैंने इसको बताया था, जब लिमिट को मैंने ऐसे एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करके मैंने बताया था, यहाँ पे पॉइंट कोई है, यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे एफ ए मिलेगा, हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, जब मैंने बताया था जिस डिफिनेशन को मैंने लिखवाया था उस डिफिनेशन की हेल्प से इसको करेंगे और विद इन फोर लाइन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो देखो इसमें कैसे क्या करते हैं इसमें, और अगर ये क्वेश्चन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको पूछता है कितने मार्क्स में, अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है तो इसके पहले जो आपने इसके साथ किया हुआ है ना उसको पूरा लिखने के बाद ये चार लाइन लिखेंगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है? इसमें लिखेंगे फॉर एन आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, लिखेंगे फॉर एन आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, एक जो है लैम्डा एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन जीरो होगा, और डेफिनेशन आपको बताया गया था कि सच दैट, देखेंगे क्या सच दैट सच दैट
इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, इंप्लाइज दैट f ऑफ x माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, या फिर इज इक्वल टू लिख सकते हो, पहले f ऑफ x डिफाइन कर लो, f ऑफ x जो है x इंटू साइन 1 बाई एक्स माइनस जीरो के फॉर्मेट में, जीरो कोई मतलब नहीं है, तो मॉड x इंटू साइन 1 बाई एक्स और यहाँ पे मॉड x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है मॉड साइन 1 बाई एक्स जो है, यहाँ पे देखो मॉड जो है साइन 1 बाई एक्स जो है, इसकी जो वैल्यू है ये प्लस माइनस 1 के बीच में है, प्लस 1 एंड माइनस 1 इसके बीच में बार बार क्या करेगी, मतलब ऑसिलेट करेगी, और x जो है एक फिक्स नंबर है। तो अगर अगर यहां पे आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू जीरो f ऑफ x, तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू जीरो मॉड ऑफ x इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट लिख सकते हो कि वैल्यू ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस प्लस वन एंड माइनस वन, ठीक है, और एक्स की वैल्यू जीरो आप डायरेक्ट पुट करोगे, तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसकी जो लिमिट होगी वो जीरो होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे ही जीरो पुट करोगे, और जीरो इंटू यहाँ पे सेम वही चीज जो यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑसिलेटिंग बिटवीन प्लस एंड माइनस वन, ठीक वही लिखेंगे, कुछ भी रहेगा टोटल वैल्यू रहेगी और यही आपका आंसर हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे जीरो एग्जिस्ट करेगी। जैसे ये तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, तो तीसरे वाले क्वेश्चन को हम सेम एज पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, सेम एज पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, अगर इसको हम नोट्स जो भेजेंगे समझ में नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी को मैं डिफाइन कर लूँ, 10 मिनट बचा हुआ है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कॉन्टिन्यूटी थोड़ी डिफाइन कर लें। बाकी ये समझ लो कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे, और इस बात की गारंटी है कि अगर आप रिविजन मेरे साथ करते रहोगे तो आपके रियल आंसर में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए होंगे, ठीक है। सिक्वेंस सीरीज हो गया, ये हो गया, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से सिक्वेंस सीरीज जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं उनके 25-25 मिनट्स के जो है वीडियो बना के मैं आपको यूट्यूब पे डालता रहूं, ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल हो जाऊं भाई, फिलहाल थोड़ा सा कंटिन्यूटी देख लेते हैं, थोड़ी सी कंटिन्यूटी देखेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे कल की क्लास में। चलो अभी टॉपिक हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखो सिंपल सी बात है ना, कंटिन्यूटी जो है बहुत ईजी टॉपिक है। कंटिन्यूटी क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ प्लॉट करते समय हमें मार्कर उठाने की जरूरत ना पड़े, उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन, जैसे मान लो हमने लिखा कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। अगर आप परिचित होंगे तो यहाँ पे आपने x एक्सिस ये ड्रॉ किया, आपने y एक्सिस ड्रॉ किया, और ये जो है पर्टिकुलर पॉइंट जीरो है, और यहाँ से आपने ऐसे जीरो पे आए और ऐसे यहाँ पे ले गए। मैंने मार्कर उठाया क्या? नहीं। अगर आप थोड़ा सा इसको बड़े अच्छे से रच के बनाएंगे ना, तो एक बार ऐसे लाइन खींचेंगे फिर ऐसे खींचेंगे, तो वो गलत बात है। इसका जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस है, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे गए जीरो पे और फिर यहाँ से यहाँ चले गए। अगर आपने f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिया, x स्क्वायर ले लिया, तो आप जो है ऐसे ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे और ऐसे आपको u मिल जाएगा। अगर आपने f ऑफ x इज इक्वल टू क्या ले लिया, x क्यूब ले लिया, तो आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट करोगे, आपको ऐसे x क्यूब मिल जाएगा। मैंने जो फंक्शन के बेसिक्स वाले पेज भेजे हैं उसमें सारे फंक्शन को मैंने बड़े अच्छे से ग्राफ बनाया है, सारी चीजों को बताया भी है। अगर आप f of x equal to x ले लो, तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। आप यहाँ से एक लाइन खींचोगे, जीरो से क्रॉस का तो इधर जाएगा, ये f of x equal to x हो जाएगा। अभी जितने मैंने ग्राफ बनाए हैं, जितने भी ग्राफ बनाए, अगर आप f of x equal to e to the power x ले लो, f of x is equal to आप e to the power x ले लो, तो यहाँ से ऐसे एक ग्राफ मिलेगा, ये e to the power x होगा। जितने भी मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं सारे के सारे ग्राफ ऐसे हैं कि एक बार मार्कर रखा पूरा का पूरा ग्राफ ढक दिया, ठीक है, और सारे के सारे ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूस है। तो ये तो सिंपल फील करने वाली बात हो गई कि कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो वो फंक्शन जिनके ग्राफ ड्रा करते समय
आपको मार्कर या फिर पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, एक बार पेन रखिए पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट कर दिए। अगर लॉग एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर लॉग एक्स की बात करें तो आप देखेंगे लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है, लॉग वन पे वैल्यू जीरो आती है, ये लॉग एक्स का ग्राफ है। और भी छोटे मोटे ग्राफ है, अगर मान लो साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स जो है इन्फिनिटी से आता है और हम ऐसे स्टार्ट करते हैं जीरो पे जीरो देता है और ऐसे 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 चला जाता है, तो साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर हम कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, इधर भी इन्फिनिटी से आता है और ऐसे 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 चला जाता है, तो ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो सिंपल से डिफिनेशन ये है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते समय आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े तो आप बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बट अगर मैथमेटिकली चेक किया जाए, ठीक है, तो एक छोटी सी डिफिनेशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट। ये तीनों के तीनों बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लो हमने सिंपल से ग्राफ ले लिया एफ ऑफ एक्स और मॉड एक्स ले लिया, अगर हम यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स पे अगर हम चाहते हैं कि लिमिट चेक करना या फिर कॉन्टिन्यूटी देखना है, एक्स इज इक्वल टू वन, हमने वन ले लिया और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है, इसको मैं प्रॉपर पूरा क्वेश्चन लगाऊंगा, डोंट वरी, अभी बस समझने की बात है, ठीक है, मैंने केवल इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट किया है। अगर मैं वन पे कोशिश करूं कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड से वन पे अप्रोच करूंगा, तो अप्रोच तो यहाँ वन पे मैं कर रहा हूँ बट मेरा पाथ ये है, तो मैं यहाँ पे वन पे आया, वन पे मुझे वन मिलेगा। अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लेके चलूंगा तो एफ ऑफ वन की वैल्यू वन मिलेगी, इतनी बात क्लियर है ना। तो राइट हैंड साइड से मैं वन पे अप्रोच करूंगा मुझे यहाँ पॉइंट मिलेगा, अच्छा मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा यहाँ पे तो मुझे ऐसे चलूंगा तो फिर मुझे यही पॉइंट यहाँ पे पहुंचूंगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू भी वन होगी, ठीक है। तो लिमिट जो है अगर हम निकालते हैं x टेंड्स टू वन पे तो माइनस साइड से जाओगे एफ ऑफ एक्स तब भी वैल्यू वन, और लिमिट x टेंड्स टू वन पे पॉजिटिव साइड से जाओगे एफ ऑफ एक्स तब भी आपकी वैल्यू वन, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है और अगर यहाँ एफ ऑफ वन पुट कर दोगे डायरेक्ट तब भी मॉड ऑफ वन की वैल्यू वन, तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, तो बोलेंगे कि एट वन गिवन फंक्शन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सिंपल सी बात समझ में आई, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि क्लास 12 में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ आप देख लीजिए। और कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूफ करना है, आगे कॉन्टिन्यूटी के जितने सारे क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे, मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी लगवा दूंगा, ठीक है, समझ में बात आई। यस यस सर, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इतनी बात समझ में आई। अब जो है थोड़ी सी एक चीज और देख लेते हैं